Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and today I am going to discuss you about how to generate unlimited ideas. किस तरह से हम अनलिमिटेड आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है, हम आइडियाज़ कैसे जनरेट करें, हमें तो आइडियाज़ ही नहीं आते जनरेट करने के लिए. बेसिक टर्म्स हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हम 4 W's and 1 H का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई. बट इसके अलावा अब मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रही हूँ जो आप अपनी आइडियाज़ जनरेट करने की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो जिसको यूज़ करके, एंड दैट वर्ड इज़ पेस्टल. पेस्टल इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स डिफरेंट मीनिंग्स लाइक PESTEL. पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल. एनी टॉपिक यू आर गिवन, You should make ideas on the political issues. अगर आप न्यूज़ देखते हैं या अगर आप अप टू डेट रहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई उस रिगार्डिंग कोई ना कोई पॉलिटिकल इशू पता होगा विच कैन यू डिस्कस, जिसे आप डिस्कस कर सकें. अनदर वन इज़ ई, पेस्टल का ई. ई मीन्स इकोनॉमिकल. द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द कमर्स बैकग्राउंड, दे मोस्टली नो द इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स ऑफ एनी टॉपिक. कोई भी टॉपिक का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पता हो सकता है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. देन एस स्टैंड्स फॉर सोशल. सोशल मीन्स द पर्सन्स. दिस टाइप ऑफ वर्ड कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन्स हु आर हैविंग द बैकग्राउंड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़. जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ से है, आर्ट्स से जो बच्चे आए हैं, उनको सोशल सोशोलॉजी उन्होंने पढ़ी है, उनके पास सोशोलॉजी रिलेटेड आइडियाज़ होंगे. अनदर वर्ड इज़ T means technological. That means this term can be utilized by the persons who are from technological background. That means जिन्होंने science पढ़ी है, medical, non-medical background से हैं, वो technological terms की add कर सकते हैं, technological terms को use कर सकते हैं अपने points को अच्छे से elaborate करने के लिए. Because at the end you will be facing the most difficult part in giving the examples. आप हमेशा examples देने में हमेशा आपको difficulty रहती है, तो आपने जो जो अपने topics को पढ़े हुए हैं, the topics on to which you are familiar with, आप उन topics को as an example quote कर सकते हो उसको link करके, right? So another one, E stands for ethical. Ethical means the social issues, कोई भी surrounding issues जो आते हैं. That means कि अगर कोई काम हमें publish करना है और जो उसकी surrounding public है उसके लिए वो beneficial नहीं है, तो हम उसमें ethical issues डाल सकते हैं. For example, अगर कोई भी person cow के ऊपर experiment करना चाहे, तो the persons who belong to a Hindu region will not allow them to do experiment. वो नहीं issue करेंगे उनको experiment करने के लिए, allow नहीं करेंगे. The same criteria is for the other religions. उसी तरह इस तरह के issues जो generate होते हैं वो ethical issues में आते हैं. आप इस तरह के issues को add कर सकते हो. अगर आपको चिपको movement के बारे में पता होगा, that is also comes under this type of issue, जिसमें कि लोगों के मोरल के अकॉर्डिंगली उन्होंने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था. अनदर वन इज़ एल. एल मीन्स लीगल इश्यूज़. लीगल इश्यूज़ कोई भी आपको लॉ याद है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पॉल्यूशन रिलेटेड टॉपिक आया है, तो पॉल्यूशन रिलेटेड टॉपिक में आपको प्लास्टिक्स के बारे में लिखना होगा, तो आप उसमें प्लास्टिक प्रोहिबिशन एक्ट यूज़ कर सकते हो, गंगा एक्शन प्लान को डिस्कस कर सकते हो. कोई भी लीगल इशू, लीगल एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जो आपको थोड़ा सा भी पता है, आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो उसको सूट करता है. तो आप इस पेस्टल वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप एग्जांपल्स ऐड करो. जो भी रिक्वायर्ड एग्जांपल हैं आप उसको अगर ऐड ऑन करेंगे अपनी स्पीकिंग राइटिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा स्कोर्स अपग्रेड होने के चांसेस हैं. थैंक यू.